शासन प्रशासन कोरोना संकट से निपटने के लिए कई प्रकार के जतन करने के साथ ही प्रचार प्रसार कर रही है ताकि इस कोरोना संकट से बच सके। इसी के चलते देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडे द्वारा सभी स्कूल, आंगनवाड़ी और कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल बंद करने के आदेश दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी निजी रानी मारिया हाई स्कूल संचालक 5वीं, 8वीं, 9वीं की परीक्षा संचालित कर रहे हैं, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी SDM तहसीलदार का ध्यान इस ओर नहीं गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना संकट से बचाव के लिए 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया। जब SW न्यूज चैनल के संवाददाता रानी मारिया हाई स्कूल पहुंचे तो 5वीं, 8वीं, 9वीं की परीक्षा संचालित हो रही थी। जब SW24 न्यूज चैनल की कैमरा टीम क्लास रूम पहुंची तो स्कूल संचालक ने बच्चों की तुरंत छुट्टी कर पेपर रद्द कर दिया। साथ ही रानी मारिया हाई स्कूल के एक कमरे में करीब 30 से 40 बच्चे बैठे थे जो कैमरे को देखते भागते नजर आए। जब बच्चों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें पेपर देने आए हैं, हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए हमारा आज पेपर था, लेकिन पत्रकारों के आने पर हमारी छुट्टी कर दी गई। किस तरह बच्चों को ताबड़तोड़ पेपर रद्द कर अपने घर जाने को कहा गया, यह वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। किसी तरह बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर बस में बैठे हैं। रानी मारिया हाई स्कूल कलेक्टर के आदेश की धज्जियां खुले आम उड़ाती दिखाई दे रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। किस लिए आए हैं? आपको नहीं पता कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में शासन द्वारा स्कूल बंद कराए गए? मालूम नहीं था। मालूम नहीं था। किसके द्वारा सूचना दी गई आपको कि आज एग्जाम है? स्कूल की तरफ से दी गई है। मीडिया साथियों के माध्यम से हमें मामला नॉलेज में आया है। हमने जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी उनके संज्ञान में ला दिया था, उसके उपरांत उन्होंने हमारे कुछ शिक्षकों को भेजकर जांच करवाई है। रानी मारिया करके एक स्कूल है उदयनगर में, जिसके संबंध में जानकारी आई थी और उन्होंने उन्हें बताया गया कि उन्हें नॉलेज नहीं था इस बारे में, परंतु जो उच्च अधिकारी है वो इस बारे में जांच कर रहा है। ये सर, वो उनका ये कहना था कि हमें आदेश नहीं मिला, तो आदेश तो व्हाट्सएप के माध्यम से सब दूर पहुंच गया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।